अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू रेलिश रेसिपीज। भिंडी तो हर किसी ने हर तरीके से बनाई और खाई है, लेकिन आज मैं आपसे जो भिंडी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, यकीनन वो पहले आपने कभी नहीं खाई होगी। ये खाने में इतनी क्रिस्पी और मजेदार है कि आप अब इसी तरीके से भिंडी बनाकर खाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने आधा किलो भिंडी को लेकर उसको दरमियान से कट कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा ऐड कर दें, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हरा मिर्च, हसबे जायका नमक, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून बेसन। इन सब चीज़ों को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून पानी ऐड करते हैं। आपने ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना। मैंने इसमें सूखी हुई भिंडी यूज़ की है, आपने गीली भिंडी नहीं यूज़ करनी वरना ये आपस में जुड़ जाएगी। पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पैन में ऑयल ऐड कर दें, फिर इसके अंदर भिंडी ऐड कर दें और इसको 4 से 5 मिनट के लिए बना लें, या तब तक जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। अगर आप मेरी वीडियोस पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिले। मैं इसमें और मसाले कोई भी नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मैंने सारे मसाले पहले ही ऐड कर दिए हैं। इसके बाद भिंडियों को निकाल दें। निकालने के बाद इसके अंदर 1 मीडियम कटे हुए प्याज ऐड कर दें और इसको 1-2 मिनट के लिए पका लें। इसके बाद इसके अंदर 1 कप टमाटर ऐड कर दें और इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लें। इसके बाद इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर दें और साथ ही फ्राई हुई भी भिंडी, इसको मिक्स कर लें और हाई फ्लेम में 1 मिनट के लिए भून लें। इसको फ्रेश धनिया से गार्निश कर दें। तो दोस्तों, देखा आपने कि इस तरीके से भिंडी बनाना कितना आसान और क्विक है। अब आप भी इस तरीके से भिंडी बनाएं और इसकी मज़े से लुत्फ़ अंदोज़ हो जाएं। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। तो मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।